पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स धीरे धीरे ममता बनर्जी से दूरी बनाने लगे हैं। मार्च 2023 में सागरदीघी सीट पर हुए उपचुनाव में इसके साफ संकेत मिले, क्योंकि सागरदीघी में 64% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम बहुल भांगड़ में पंचायत चुनाव में टीएमसी के सामने नई पार्टी आईएसएफ ने 43 सीटें जीत ली। मुस्लिम बहुल बालीगंज में उपचुनाव में टीएमसी जीत तो गई, लेकिन जीत का मार्जिन 20% कम हो गया। इन नतीजों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। 24 साउथ परगना जिले के भांगड़ में मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से जुड़ रहे हैं। यहां लोगों का मानना है कि टीएमसी ने उनका केवल इस्तेमाल किया है। भांगड़ में टीएमसी ने आईएसएफ को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, इसलिए एग्रेसिव कैंपेन के दौरान हुई हिंसा में 3 लोग मारे गए थे। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी से दूर हो रहे हैं। सागरदीघी में हुए उपचुनाव में टीएमसी को मिली हार। सागरदीघी में टीएमसी को 22,980 वोट से मिली हार। पंचायत चुनाव में भांगड़, हुगली, पूर्वी वर्धमान और मालदा में हारी टीएमसी। बालीगंज सीट पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 20% घटा। बंगाल में बीते 2 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि मुस्लिम वोटर दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए खतरे का संकेत है। टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराया था। टीएमसी की इस जीत की वजह 27% मुस्लिम वोटर भी थे, लेकिन मुर्शिदाबाद की सागरदीघी सीट पर टीएमसी की हार और कांग्रेस की जीत से हवा के रुख के बदलने का संकेत मिल रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट बायरन बिस्वास ने 23,000 वोट से ये चुनाव जीता था। हालांकि नतीजों के कुछ महीने बाद ही बायरन बिस्वास टीएमसी में शामिल हो गए। सागरदीघी में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने एक्शन लिया। उन्होंने हार की समीक्षा के लिए अल्पसंख्यक मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को हटा दिया था। ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई हैं। उनका इरादा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को सीटें छोड़ने के लिए राजी करना है। अगर वह ऐसा कर सकें तो मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को अपना नया हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, QIV नेटवर्क। इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड, इसके बारे में चिंता नहीं करते। महिला को इज्जत लुटता है, चिंता नहीं करते। दलितों को खिलाफ में है, चिंता नहीं करते। 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है। यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के